नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज दिवाली है, कल भी दिवाली है, लेकिन हम शायद अब आपको हैप्पी दिवाली नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें भी बुरा लग रहा है कि इस बार शिक्षा मित्रों को दिवाली पर खाली हाथ लौटना पड़ा सरकार के दरबार से। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कमेटी के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई थी। बेसिक शिक्षा निदेशक जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और इसमें शिक्षा मित्र के संगठन के प्रदेश अध्यक्षों को आमंत्रित किया था शिक्षा मित्रों की मांगों को उनके समझ रख के उन पर सहमति बनाने के लिए। लेकिन जो मुख्य मांग थी उस पर सहमति नहीं बनी और जो अन्य मांगें थी उन पर सहमति बन गई है। उन हो सकता है कि वो जल्द उनकी घोषणा भी कर दें, लेकिन शिक्षा मित्र निराश है कि उनकी अभी तक जो मुख्य समस्या थी वो पूरी नहीं की है। जी हम बात कर रहे हैं बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बारे में, जिसमें शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी अपनी मांगें रखी। क्या क्या मांगें रखी थी? सबसे पहले मांग शिक्षा मित्रों की जो मुख्य थी वो यही थी कि शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण को लेके कुछ निर्णय लिया जाए। तो उन पर इसका जवाब सिर्फ इतना था कि इसके बारे में और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ही निर्णय लेंगे, इसलिए हम इस पर अभी कोई भी विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं, ना ही इस पर कोई जो है तर्क कर सकते हैं। बस आप अपना प्रस्ताव दीजिए, हम माननीय मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे, वो जो निर्णय लेंगे वो अपना बता ही देंगे। तो अन्य जो मांगे हैं उनके बारे में हम चर्चा कर देते हैं कि जब स्थायीकरण को लेकर कुछ स्पष्टता नज़र नहीं आई तो शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्षों ने सीधे पूछा कि मानदेय वृद्धि जो है कितना कर सकती है सरकार अभी फिलहाल में। तो 4,000 रुपये मानदेय वृद्धि की बात कही गई किसी संगठन के द्वारा, तो किसी ने 35,000 रुपये 35,000 रुपये मानदेय की बात की गई। तो ना तो 4,000 रुपये सहमति बनी ना 35,000 रुपये बनी। उनका कहना है कि सरकार ने बजट जो है जारी किया है उसमें जो इतना प्रावधान है उतना आपको मानदेय बढ़ोतरी के रूप में मिल जाएगा। यानी कि पहले जो खबरें चल रही थी कि सरकार की तरफ से शायद 1,000-1,200 रुपये मानदेय बढ़ाया जा सकता है, और अगर वो केवल राज्य का हिस्सा है और केंद्र का भी अलग आएगा तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन कल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 1,000 रुपये मानदेय वृद्धि की बात आ रही थी शिक्षा मित्रों की, तो वो वास्तव में बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि 1,000 रुपये मानदेय बढ़ना वो 4 साल में, क्योंकि 4 साल पहले शिक्षा मित्रों के 3,500 से 10,000 रुपये मानदेय हुआ था और अब 4 साल इंतजार करने के बाद भी शिक्षा मित्रों को सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी मिल रहा है, जबकि मनरेगा के अंदर ग्राम रोजगार सेवकों का 4,000 रुपये मानदेय सरकार ने बढ़ाया है और यहाँ 4,000 रुपये मानदेय बढ़ाने पर सहमति नहीं जताई गई। दुख तो होगा ही, बुरा तो लगेगा ही भाई। कम से कम शिक्षा मित्रों ने एक उम्मीद थी कि शायद 10,000 से 15,000 मानदेय हो जाएगा। बात मानदेय की क्यों कर रहे हैं जब स्थायीकरण की बात हो रही है? तो स्थायीकरण की बात ये थी कि स्थायीकरण शायद टेट पास शिक्षा मित्रों का होगा और जो नॉन टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको एक उचित मानदेय या वेतन मान दिया जाए। तो वो उसकी कल्पना कर रही की जा रही थी कि शायद शिक्षा मित्रों को 30,000 से 35,000 मानदेय दिया जाए और टेट पास वालों को समायोजित किया जाए, लेकिन बैठक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुख्य रूप से इस पर चर्चा हुई ही नहीं, ये दोनों ही बिंदु माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर डाल दिए गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा जब होगी, जब उनकी कृपा से शिक्षा मित्रों पर आएगी, तभी शायद ये घोषणा हो पाएंगी। फिलहाल फिर बैठक में जो है अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें से सबसे पहले मुख्य बिंदु पर रखा गया महिला शिक्षा मित्रों को उनके ससुराल में नियुक्ति। ऐसे पुरुष शिक्षा मित्र जो अपने मूल विद्यालय नहीं जा पाए थे उस समय, तो वो अपने मूल विद्यालय जा सकें, महिला शिक्षा मित्र अपने ससुराल जा सकें, ससुराल के पास नियुक्ति ले सकें, अंतर जनपदीय भी अगर ट्रांसफ़र हो सके शिक्षा मित्रों का तो बहुत अच्छा है, ये भी मांग रखी गई और इस पर सहमति जता दी गई है। बोले कोई बात नहीं है, इस पर तो हम निर्णय ले सकते हैं। साथ ही साथ सहायक अध्यापकों की तरह 14 आकस्मिक अवकाश लेने की बात भी शिक्षा मित्रों ने रखी है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले जो है आदेश आ गया था जिसमें अब शिक्षा मित्र 11 आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। पहले उनको महीने में एक मिलता था, लेकिन अब वो 11 आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से। तो उन्होंने 11 की जगह 14 की मांग की है। तो एक रही ये आकस्मिक अवकाश की मांग, सहायक अध्यापक की तरह और सुविधाएं जो सहायक अध्यापक को मिलती हैं वो शिक्षा मित्रों को मिलें, महिला शिक्षा मित्रों को उनके ससुराल में नियुक्ति मिले, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी शिक्षा मित्रों को मिले, ये भी मांग रखी गई। इस पर भी सहमति जताई है, शिक्षकों को सामूहिक स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है, फिलहाल अभी वो भी रुका हुआ है, लेकिन उस पर जो है सहमति जताई गई है कि शिक्षकों की भांति शिक्षा मित्रों को भी इसका लाभ
दिया जाए, उनके मानदेय से भी हर महीने कटौती कर उनको स्वास्थ्य बीमा करवाया जाए। ये मांगे तो रही, लेकिन इसके अतिरिक्त भी और जो खास मांग थी शिक्षा मित्रों की तरफ से वो ये थी कि शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में रखा जाए। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि आरटी के अनुसार 30 पर एक शिक्षक और 35 पर एक शिक्षक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में रखे जाते हैं, और इसी के अनुसार प्रदेश में रिक्त पद निकाल कर भर्तियाँ की जाती हैं। समस्या ये है कि शिक्षा मित्र जो प्रदेश में पढ़ा रहे हैं, 1,30,000 तक शिक्षा मित्र रह गए हैं, बाकी सब अध्यापक बन गए हैं, इतने पद होने के बाद भी इन शिक्षा मित्र पदों को छात्र शिक्षक अनुपात में नहीं गिना जाता है, और जब रिक्तियां निकलती हैं, भर्तियां होती हैं, तब उन पर और शिक्षक भर्ती कर दिए जाते हैं। एक समय जब आ जाएगा जब सभी शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे और 1,30,000 पद सरकार पर अतिरिक्त तौर पर बोझ बनकर आ जाएंगे, उस समय सरकार शायद इनको बाहर का रास्ता दिखा सकती है, ये कह के कि आरटी के नियम के अनुसार हमने सभी शिक्षक पदों को भर दिया है, अब विद्यालय में कोई भी पद रिक्त नहीं है। तो ये जो मेन है वो शिक्षा मित्रों के ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी कि उनको कभी भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, और ये हकीकत है कि जब तक शिक्षा मित्रों के पद को नहीं शामिल किया जाएगा छात्र शिक्षक के अनुपात में, तो उन पर हमेशा खतरे की घंटी बनी रहेगी। इसलिए संगठन ने मांग रखी कि छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्र पदों को शामिल कर लिया जाए, ताकि अगर आगे जाके कोई समायोजन की नीति बनती है, स्थायीकरण की नीति बनती है, या जो शिक्षा मित्र टेट पास कर, सुपर टेट पास कर, या जैसे भी आप योग्यता रखें, योग्यता अगर पूरी कर लेते हैं उसके बाद उनको सहायक अध्यापक बनाते हैं, तो वो अपने ही पद पर सहायक अध्यापक के तौर पर प्रमोशन पा सकें या नियुक्ति पा सकें। जो भी है, पद रहेंगे तो भविष्य में संभावना बनी रहेगी सहायक अध्यापक बनने की। अगर आपको जब शामिल ही नहीं किया जाएगा परिवार में, तो परिवार में होने का दावा कैसे दिखाएंगे? तो ये सब मांग रखी गई शिक्षा मित्र संगठन के द्वारा, और यही समस्या है कि अगर ये मुख्य मुख्य मांगों पर सहमति आ जाती तो बहुत अच्छा रहता। छात्र शिक्षक अनुपात में रखने की बात पर सहमति है, और कह रहे हैं कि इस पर भी जल्द से जल्द निर्णय भी ले लिया जाएगा। आपको पता ही है कि इस कमेटी का जो मुख्य कार्य है वो शिक्षक और कर्मचारियों की मांगों को लेकर वार्ता करना है, जो बेसिक शिक्षा के हैं। तो अभी तो बैठक चल रही थी शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की, इनकी बैठक हो चुकी हैं, जैसे जैसे कर्मचारियों की बैठक इनके साथ पूरी हो जाएंगी, फिर एक नियत समय के बाद इन पर प्रस्ताव मांग कर माननीय मुख्यमंत्री जी इनसे निस्तारण की रिपोर्ट मांगेंगे। यानी कि इसमें डिले होने वाली बात नहीं है कि पहले शर्मा कमेटी की तरह बात कोई लंबी जाएगी, बात लंबी नहीं जाएगी। तय समय के अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, किस पर सहमति बन सकती है, किस पर नहीं बन सकती है। तो जल्द से जल्द इस अगले एक सप्ताह में सभी से बैठक कर इस पर निर्णय ले लिया जाएगा, फिर माननीय मुख्यमंत्री के पास ये फाइल जाएगी, और उस पर किन किन पर माननीय मुख्यमंत्री मोहर लगाते हैं ये तभी पता चलेगा। तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा, फिलहाल दिवाली आपको इसी तरह उसी पुराने मानदेय के साथ और 1,000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी की खबर के साथ मनानी होगी। लेकिन हमारी आपसे यही जो है एक तरह से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने मन को उदास मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ निराशा पूरी तरह से नहीं है। उन्होंने सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर इस बात को रखा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा पर अब सब कुछ निर्भर है। अब उनको मनाने का कार्य शिक्षा मित्र और करेंगे या अभी और इंतजार करेंगे, कुछ कह नहीं सकते हैं। फिलहाल अभी तो नवम्बर में अयोध्या में होने वाले यज्ञ से भी शिक्षा मित्र उम्मीद लगाए हुए हैं, उस यज्ञ में भी शिक्षा मित्र शामिल होंगे, वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मनाने का कार्य करेंगे, तब शायद माननीय मुख्यमंत्री जी कोई घोषणा करें। लेकिन अब हम कोई भी बाधा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्लीज़ आप दिवाली को खुशी खुशी मनाइए, एंजॉय करिए परिवार के साथ, और आगे के त्यौहार भी आपके ऐसे ही हंसी खुशी गुजरें, इससे और समृद्धि के साथ गुजरें, हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए बना सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।